ये तो जानवर मुझे आजाद है। ये तो बड़े चीज़ है।
मैं शायद अल्फाजों में आप सब हम नहीं बयान कर सकते हैं कि जो बाहर से हमें लगता है सब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं, ये अभी हम कुंदरमाला के बाद यहाँ बेगमाला में आए, मतलब मुझे लगता है 2014 में जो सैलाब आए उससे बदतर हालात यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, घरों में लोग फंसे हुए हैं, इनके मवेशी जो है वो सारे इस वक्त पानी में है। और बहुत बहुत है कि इसमें अगर इमीडिएट खाली ये तारजुआ में जो ये नाले निंगली है, अगर इसकी एक्सकवेशन हुई होती, कुछ जेसीबी लगाए हुए होते और जो मिट्टी इससे निकलती उससे बंध हमने बनाए होते तो ये बहुत अच्छा रहता। तो उससे ये सैलाब, इनका यहाँ के जो बाशिंदगाने ये कहते हैं कि अगर खाली हमने इसमें जो वाइडनिंग की होती, डिसिल्टिंग की होती, तो उससे इनको काफी राहत मिलती। तो हम यहाँ पर आए, मैं लगातार एक्जन साहब से लगातार, या मकानों में पानी नहीं है, या इनका ये आप देख सकते हैं प्लंथ के ऊपर पानी है, अभी ये रिसीव नीचे चला गया, इससे पहले ऊपर था। लेकिन जो ये अब ऑर्चर्ड्स में उनकी फिक्र सबसे ज्यादा है, जो हमारा शाली का पैडी क्रॉप्स है उसके ये लैंड है या ऑर्चर्ड्स है, बागात है, उनमें ये वाटर लॉगिंग जो अब पानी का होगा, ना ही खाली इस साल की फसल उससे मुतासिर होगी बल्कि जो वो पेड़ है उनका भी, बहुत बगीचों का बहुत नुकसान होगा। हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म में एक तो वो नबार्ड में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इमीडिएट सैंक्शन हो जाए, और उसके साथ साथ इसमें जो है निंगली जो है इस वक्त तारजुआ पोर्शन जो लास्ट में आगे निंगली गोल वहां तक है, तो हम चाहते हैं उसमें जल्द से जल्द डिसिल्टिंग वाइडनिंग हो जाए ताकि इमीडिएट जो ही ये थोड़ा सा इसमें सुधार आ जाएगा इमीडिएट। और इस वक्त एक्जन साहब से इनसे बात हुई, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ वो बैग्स दे रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उससे कुछ राहत मिले। शुक्रिया। मैं एक्जन साहब जो जावेद साहब है इरीगेशन के और चीफ साहब नरेश साहब, उनसे गुजारिश है कि ये तो प्रोजेक्ट जब तक सैंक्शन हो जाएगा, इसमें जो हमने अभी दिखाया आपको, वी आर ऑन इट, तब तक हमें उनसे गुजारिश है कि आप देख सकते हैं ये कोई फ्लड नहीं है, ये नाले निंगली जो है, ये नाले निंगली यहां से बह रही है, और जहां से ये बह रही है, मैं यहां से अक्सर आता हूं, ये मेन रोड है यहां पर इस मोहल्ले का, कुंदरमाला तारजुआ का, ये वाला आप देखिए, ये आप सामने देखिए, ये रास्ता जो है इन घरों को कोई रास्ता नहीं है, ये मर्ज हो गया है नाले निंगली के साथ, ये हद है। हमारी इनसे गुजारिश है कि इसमें कोई बहुत रकम नहीं लगाना है, हमें इनसे गुजारिश है कि इसकी आप खुदाई करें, ये जो ये लास्ट में जो तारजुआ एरिया है इसकी ये पूरा श्रिंक हुआ, ये आप यहां से देखिए श्रिंक हुआ है। और एक शर्त हम उसमें रखते हैं कि जो उसमें मिट्टी वहां से निकलेगी वो यहीं पर यूटिलाइज हो, ये जो श्रिंक हुआ है उसे रिड्रेस किया जाए, इसकी डिगिंग हो, इसमें विद्युत जो बढ़ाई जाए और यहां पर प्रोटेक्शन बांड्स इमीडिएट दिए जाए, जब तक हमारा मेन जो इसमें नबार्ड में हमारा प्रोजेक्ट आज बना है, कुछ मैंने अभी आपसे दिखाया भी, जब तक ये हम इसमें कामयाब हो जाते तब तक हम इमीडिएट यही मांग करेंगे। शुक्रिया।